हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सांत्वना और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो यहाँ पर ये देखिए, अनंत की योगा क्लासेस चल रही हैं अपने बड़े पापा और भैया के साथ, और ये नकलची बंदर जैसा जैसा इन लोग कर रहे हैं वैसा वैसा करने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, जिन्हें भी मेरे मायके वाले व्लॉग पसंद आए थे, तो मेरे मायके का जो व्यू है, अगर आप लोग वो फिर से देखना चाहते हो तो मैं चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग एक बार जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसी कैरम कौन खेलता है भैया, हैं? मेरा आनंद बाबा कैरम खेल रहा है, कैरम के ऊपर बैठ के। भैया ऐसी कैरम कौन खेलता है, हाँ? ऐसी कौन खेलता है भैया? आनंद भैया, अरे बाबा, अरे बापरे, भैया उठा लिया। बस 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 बस, चोट लग जाएगा, चल आ जा आ जा। अरे 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 अरे, भैया बड़े पापा योगा कैसे करते हैं? अनंत बड़े पापा कैसे योगा करते हैं, कैसे योगा करते हैं बेटा? तो ये देखिए, ये है हमारे बगीचे के प्याज, जिन्हें हमने पूरे पत्ते समेत ही, जो हमारे माली भैया थे वो घर भेज दिए थे हमारे, तो मैं इन्हीं में से पत्ते अलग करी थी, तो क्यारियों में उगे हुए हैं प्याज, और ये लगभग एक या दो क्यारी में से उन्होंने निकाल कर हमें दिए हैं, तो मैं बस उसी के पत्ते अलग कर रही थी। आओ की मात्रा, आओ की मात्रा, हाँ कौन सा आओ? आप जानो कौन सा आओ है? आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ आओ अं आहा, उल्टा उल्टा गिनते हैं। ओ आओ, आओ की मात्रा बनाना है आपको, तो है आपको बना कर बताना है कहाँ है। हो गया, ये क्या है? आओ की मात्रा, आओ की मात्रा। तो इस बार भी भैया को एक स्टार मिल गया और मम्मी को जीरो। अब यहाँ पर एक और काउंट करेंगे, यहाँ पर ये भैया का बी और मम्मी का एम, ठीक है? उसको मिटाओ। हाँ, अब आप बताओ छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा, हाँ ये। थोड़ा दूर में, तब तो यहाँ मार्क देंगे ना, वहां पर बनाकर बताओ। हाँ वेरी गुड, ये भैया को मिल गया एक स्टार। नहीं ऐसा करो ना, हाँ देखो मैं सही लिखा, हाँ तो एक बार अंडा दे दो। क्यों? ठीक है ऐसे करो, सही लिखने वाले को अंडा थोड़ी मिलता है, गलत लिखने वाले को अंडा मिलता है। अब लिखो आप,
बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा पता है। हाँ, आप तो सच बना लिए भैया। वेरी गुड। एक और स्टार भैया को, मम्मी को एक और अंडा। आप रो रहे हो, अब आप बनाकर बताओ मेरे को। री की मात्रा बता दो बना के। अरे बाप रे, आपको तो ये भी आ गया। मम्मी को एक और अंडा मिल गया और भैया को एक और स्टार। अभी तक बस एक बार जीती हूँ मैं, आप इतने बार सही बना लिए, मैं एक ही बार बस जीत पाई हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हम करवा रहे थे टेरेस की सफाई, और गमले में मैंने जो स्वीट पोटैटो उगा कर रखे हुए थे, कांदा भाजी, मैंने एक व्लॉग भी बनाया था जिसमें हमने कांदा भाजी जो है वो तोड़े थे मैंने और प्यूषा ने, और उसकी रेसिपी बनाई थी। तो बस ये बहुत ज़्यादा फैल चुके थे तो इसकी सफाई हो रही थी, और इसमें से आप यकीन नहीं मानोगे इतने मोटे मोटे से जो स्वीट पोटैटो है वो निकले। तो जगह छोटे होने के कारण ये कुछ जो अच्छे बड़े हो सकते थे स्वीट पोटैटो वो हमने जल्दी निकलवा दिए थे, और इसी गमले में मैंने इसे लगाया हुआ था, और ये फट गया तो इसे अब हम फेंक देंगे। और ये छोटे से गमले में मैंने एक दो इसकी जो डालियां होती हैं वो लग जाती हैं, तो इसमें मैंने फिर से लगवा दिए हैं। और अभी ये सब जो कचरा सा दिख रहा है ये सब की सफाई करवानी है हमें। और इसकी जो बेल है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी इसलिए अब हमने इसे उखड़वा दिया है, और छोटा सा फिर से मैंने उगा दिया है गमले में, तो वो फिर से अच्छी तरह से बड़ा होकर फैल जाएगा। और ये जो दीदी है इन्हें हमने साफ़ करने के लिए बुलवाया हुआ था, तो ये सारा कचरा जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर देती हैं। गमले और हमारे जो गमले थे वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गए थे। और यहाँ पर शिवांश आ गया था कुछ अपना शिकायत लेके। तो ये देखिए, ये जो स्वीट पोटैटो हैं शकरकंदी, ये मेरे गमले में से निकले हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे चार पांच और थे तो उसे मेरे बच्चों ने खा लिया। और ये देखिए कितने मोटे मोटे, कितने सुंदर स्वीट पोटैटो उसमें से निकले हैं। तो फिर से मैंने जो छोटे छोटे पौधे थे उसे गमले में डाल दिया है, और इसे हम बॉईल करके या फिर रोस्ट करके फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरा भैया क्या खाया भैया दिखाओ। कुरकुरे खाया, और भैया ने कचरा इधर उधर नहीं फेंका। देखो जैसे इधर कचरा फेंक दिए हैं कुछ लोग, लेकिन मेरा भैया अपने हाथ में रखा हुआ है, वो कहाँ ले जाकर फेंकेगा बेटा? घर। हाँ, इधर देखो ना, थोड़ा बता दो। घर, घर में। तो सभी लोग अपने आसपास की जगह को क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, और कचरा को इधर उधर, अरे अरे गिर गया, कचरा को इधर उधर नो फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, नहीं है ना चाहिए। हाँ, तो इधर देख लो थोड़ा सा, रिसाइकल करना चाहिए। ठीक, वेरी गुड, गुड मैन। जानते हो हाँ रिसाइकल मतलब क्या होता है? रिसाइकल मतलब बता दो आप। कचरे में डालना। अच्छा, फिर वो रिसाइकलिंग होगा और नया प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ, है ना। हाँ। तो जैसे यहाँ पर ये कचरा फेंके हुए हैं कुछ लोग, ऐसे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। मंकर। आज
का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सकेंगे। और हाँ, मायके वाला जो व्लॉग है, मायके का व्लॉग अगर आप लोग फिर से देखना चाहते हैं, वहाँ की जो हमारे बगीचे हैं, हमारे आम के पेड़, अमरूद के पेड़, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, तो आप लोग जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।